अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हमारे पकवान यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म से मैं आपसे मुखातिब हूँ। आज हमारा रेसिपी था पकौड़े और कैसे बनाएं। आइए चलते हैं, आपको रेसिपी दिखाते हैं। प्याज चाहिए 200 ग्राम, बेसन तकरीबन 200 ग्राम, अब हम इसमें शामिल करेंगे टमाटर जो तकरीबन 100 ग्राम है, खुश्क धनिया 1-2 टेबलस्पून, हम शामिल करेंगे जीरा 1 टेबलस्पून, जीरे के बाद हम इसमें शामिल करेंगे लाल मिर्च 1 टेबलस्पून, आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे अनारदाना 1 टेबलस्पून, इसके बाद हरी मिर्चें अपने जायके के हिसाब से आप डाल सकते हैं, जितना आप पसंद करते हैं। ये बेकिंग सोडा है, ये बिल्कुल मामूली सा हमने डाल दिया। ये जब ज्यादा होगा तो ये नमक हस्बे जायका हमने 1 टेबलस्पून डाल दिया। पानी शामिल करेंगे इसमें तकरीबन 1 गिलास पानी शामिल करेंगे। और अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अगर पानी ज्यादा हो तो आप इसमें बेसन डाल सकते हैं। ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। आप देख सकते हैं अब हम इसके ऊपर सर रख देंगे और तकरीबन 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। ये 20 मिनट के बाद हमने तेल गरम किया और अब हम इसको फ्राई करेंगे। ये डीप फ्राई होना चाहिए, इसके लिए आप तेल का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे, ज़्यादा तेल में ये डीप फ्राई होना है इसको। हाथ की मदद से आप डाल सकते हैं तेल में और चम्मच की मदद से भी आप कर सकते हैं, लेकिन हाथ की मदद से आपको थोड़ा आसान रहेगा। इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकॉन दबाइए, बेहतरीन रेसिपी आपको मिलेंगे। लीजिए, ये तकरीबन फ्राई हो चुका है, बिल्कुल गोल्डन ज़बरदस्त कलर के साथ फ्राई हो गया है। अगर रेसिपी पसंद हो तो लाइक कीजिए और कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा आपकी। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।